नमस्कार दोस्तों, भपतात किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फिश करी। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फिश करी बनाते हैं। फिश करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 kg रोहू मछली लिया है। आप अपने पसंद की भी मछली ले सकते हैं। मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच काला सरसों दाना, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। मछली का करी बनाने के लिए मसालों में हमने लिया है 100 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम पीला सरसों, 2 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च। इन मसालों को हम बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे और इसे फ्राई करने के लिए हमने लिया है सरसों तेल। मसालों को हमने मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लिया है। आइए अब हम फिश करी बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इस मछली में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इन मसालों को हम सारे पीसेस में अच्छे से उलट पलट कर लगाएंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम एक कढ़ाई में करीब 200 ml तेल डालकर तेल को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अगर हम तेल को अच्छी तरह से गर्म नहीं करेंगे तो मछली फ्राई करते समय टूट भी सकती है। 10 मिनट हो गए हैं, आइए अब हम इसे फ्राई करते हैं। मछली को तेल में डालने से पहले गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे और मछली के पीसेस को तेल में सावधानी से डालेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर मछली को फ्राई करने से मछली के पीसेस टूटते नहीं। इसी तरह हम उलट पलट कर इसे थोड़े से सुनहरा होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस फ्राई मछली को इसी तरह भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें नमक और मसाले पहले से पड़े हुए हैं। और इसी तरह हम सारे मछली को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अब हम बचे हुए तेल में डालेंगे सरसों दाना और सूखी हुई लाल मिर्च और सरसों को थोड़ी देर चटकने देंगे। अब इसमें हम पिसे हुए मसाले डालकर इस मसाले को 5 से 7 मिनट तक, इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाने तक, इसे हम मीडियम आंच पर चला चला कर भूनेंगे। मसाले में जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छी तरह से सूख चुका है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालकर उसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी कम डालें। अपने टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इन मसालों को 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर फिर से भून लेते हैं ताकि सूखे मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मसाले में अब अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं जिससे मसाले जले ना। इस मसाले को भूनने में करीब 8 से 10 मिनट तक का समय लग जाता है, इसलिए मसाले को भूनने में थोड़ा पेशेंस रखें। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक भी डाल लेंगे। हम इस बात का ध्यान देंगे कि
कि मछली को फ्राई करते समय इसमें हमने पहले से भी नमक डाल रखा है, तो अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालकर मिला लेंगे। और अपने पसंद के अनुसार इसमें हम पानी डालकर गाढ़ी या पतली ग्रेवी तैयार कर लेंगे और एक उबाल आने तक इसे हम पकने देंगे। ग्रेवी में अब अच्छी सी उबाल आ गई है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए मछली को डालकर 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस मछली को ग्रेवी में डालने के बाद 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे और उसके बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट फिश करी बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव बख्ताज किचन पर शेयर जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।